तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे सी प्लस प्लस में एरिया कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसमें हम एरिया निकालेंगे, हम अपना स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के लिए साइड ले लेते हैं और रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड ले लेते हैं। ट्रायंगल के लिए हम ले लेते हैं बेस और हाइट, और हमारा जो क्या बचा, सर्कल, सर्कल के लिए आर रेडियस ले लेते हैं और चॉइस के लिए एन ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा चूज करेंगे इसके लिए? तो इसमें ट्रायंगल में हीरोंस फार्मूला से नहीं बता रहा कि साइड दे रखी होती है, जो इसमें बेस इंटू हाइट है। अगर आपको देखना है कि मतलब उससे कैसे निकालते, तो मैं अगला प्रैक्टिकल लाऊंगा। इसमें हीरोंस फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया और ट्रेपीजियम का एरिया होगा। ठीक है, कर लेते हैं सी आउट, एंटर योर चॉइस। ठीक है, सीन कर देंगे, एंड चॉइस एंटर करा ली। यहाँ पे स्विच केस बना लेते हैं, स्विच एंड एंड को स्विच कर लिया है। देखिए केस वन, यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं पहले सी आउट स्लैश एन वन स्क्वायर स्लैश एन टू, रेक्टेंगल कर देते हैं रेक्टेंगल, और फिर थ्री ट्रायंगल, फिर फोर सर्कल। यहाँ पे स्विच केस में हम कर लेते हैं सीन केस वन में सी आउट, पहले स्क्वायर लिया हमने, करेंगे एंटर द साइड। ठीक है, साइड एंटर करा लेंगे, सीन ए एंटर हो जाएगा, फिर आउट हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्टार ए। ठीक है, ए स्क्वायर होता है ना एरिया, ए इंटू ए। यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं केस टू बना लेता हूँ, केस टू। तो केस टू में क्या होएगा, यही सब सेम होएगा, बस वहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ चलेगा। तो कॉपी कर लेते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे साइड की जगह कर देते हैं लेंथ, यहाँ पे ए की जगह एल एंटर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेड्थ कर लेते हैं, ब्रेड्थ एंटर द ब्रेड्थ हो जाएगा। यहाँ पे सीन, यहाँ पे ब्रेड्थ एंटर हो जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अभी ब्रेक हो जाएगा, फिर ऐसे केस टू और केस थ्री और केस फोर लिख लेता हूँ। यहाँ पे कर लेंगे एंटर द बेस, बेस एंटर कर लेंगे यहाँ पे कैपिटल बी, ऐसी सी आउट, एंटर द हाइट। ठीक है, यहाँ पे सीन हो जाएगा एच, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है
रहेगा 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आई सर्कल का भी कर लेते हैं, सी आउट एंटर द रेडियस, यहाँ पे सीन कर लेते हैं रेडियस अपना, और यहाँ पे हो जाएगा सी आउट, सी आउट एरिया ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे 3.14 इंटू आर इंटू आर। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये। तो देखिए मैंने सर्कल का भी कर लिया है, देखिए एरिया हो गया। अब यहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर देते हैं, डिफॉल्ट डिफॉल्ट पे हम लिख देते हैं रॉन्ग चॉइस, यहाँ पे ब्रेक भी कर देते हैं ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ये हमने इंटीजर में लिया था, करेक्टर में लेते तब लगाते हैं अपोस्ट्रोफी, हटा देते हैं ये। बस ठीक है, तो रन करा के देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं करी हमने, ये कोई गलती नहीं है। स्क्वायर पे डालते हैं साइड टू एरिया फोर, देखिए सर्कल करते हैं इस बार 4.5 रेडियस 78.5, ठीक है। कुछ और डालते हैं तो 7 डाल दिया, तो ये रॉन्ग चॉइस, यहाँ पे सी आउट आएगा। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे कंटेंट से रिलेटेड या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट की न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।